तो हेलो गाइज, वेलकम टू दिस चैनल इंजीनियरिंग ब्लॉग्स। आज मैं आप लोगों को एक मॉल में पंप का इंस्टॉलेशन, कूलिंग टावर, जो भी मैकेनिकल से रिलेटेड वर्क होते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। जैसे ये देखो, ये कूलिंग टावर है। कूलिंग टावर में ये फ़ैन लगे हुए हैं जो वाटर के हीट को रिमूव करते हैं, जो एयर कंडीशनिंग के लिए यूज़फुल होता है। ये कूलिंग टावर क्या करता है कि चिलर से जो भी वाटर हमारे आते हैं उसको, उसकी हीट को ये रिमूव करता है, ठीक है। और ये पाइपिंग कनेक्शन हुआ है, एक ऊपर लाइन है, नीचे लाइन है, तो एक रिटर्न लाइन होती है और एक सप्लाई लाइन होती है। ये डक्टिंग का कनेक्शन हुआ है, पंप लगे हुए हैं, और ये पाइपिंग कनेक्शन हुआ है। देखो, ऊपर वाली लाइन से हमारी गर्म वाटर ऊपर से इंटर होगी कूलिंग टावर में, और ये हीट कूलिंग टावर फैन के थ्रू हीट को रिमूव करेगा और फिर उस वाटर को कूल करके 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर डाउन होता है यहाँ पे कूलिंग टावर से, वो फिर हमारे चिलर तक, चिलर को भेजेगा सप्लाई लाइन के थ्रू। नीचे से ये सप्लाई होता है, सप्लाई लाइन ये दोनों, और फिर ये जो पतली पतली लाइनें देख रहे हो ये मेकअप लाइन, ड्रेन लाइन होते हैं कूलिंग टावर के, ठीक है। यहाँ पे ये 4 कूलिंग टावर लगे हैं और इसका ये इस पर इंसुलेशन हुआ है। ये देखो, ये पॉट स्टैंडर है, इसको पॉट स्टैंडर कहा जाता है। और ये 3 बटरफ्लाई वाल्व लगे हुए हैं, ये बाईपास टाइप होता है। और ये पाइप है ना ग्रीन कलर का, ये MS का पाइप होता है, ठीक है। और ये इस पर इंसुलेशन हुआ है, इंसुलेशन बोले तो FRP इंसुलेशन हुआ है इस पर। 1.5 से 2 थिकनेस होती है इसकी। ये देखो, ये पंप है, 5 कंडेंसर वाटर पंप है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, ठीक है। ये कूलिंग टावर से वाटर को फिर चिलर तक ले जाता है, नीचे जो चिलर इंस्टॉल होते हैं एयर कंडीशनिंग के लिए। ये देखो, यहाँ से 4 कूलिंग टावर दिखेंगे, बैक साइड से इसको दिखाते हैं कूलिंग टावर। बैक साइड से वैसे कुछ नहीं होता, ये ट्रैप होती है, रहते हैं बस कूलिंग टावर, ये पंप हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।